तो ये ECG मशीन है और यहाँ पे सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे ये ऑन और ये ऑफ का स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप यानी ECG जब आप करते हैं उस समय स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं ECG को। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आगे और पीछे, और ये राइट लेफ्ट और राइट जाने के लिए, और ये यहाँ पे जो है नीचे की तरफ आने के लिए, यहाँ पे डेटा एंट्री करने के लिए ये स्विच दे रखा है। ये बैक स्पेस है, यहाँ पे ये नंबर है, आप पेशेंट की ID लिखते हैं, ये पेशेंट का नाम लिखने के लिए। और यहाँ पे ये जो बॉक्स दे रखा है इसको आप दबाने से जो आपका ECG पेपर अंदर में लगा हुआ है वो बाहर की तरफ निकल के आता है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो स्विच है इसको सबसे पहले आप ये ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है ये ऑन हो जाता है। पेशेंट का जो डेटा है उसको एंट्री करने के लिए आपको इसको दबाना होता है। तो इसको जैसे आप दबाते हैं तो यहाँ पर पेशेंट का नाम, उसका लास्ट टाइम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, एज, जेंडर, सब यहाँ पे डिटेल आ जाती है। तो सबसे पहले पेशेंट आईडी डालने के लिए आपको यहाँ पे जो भी पेशेंट की आईडी है वो डाल देते हैं। जैसे कि हम आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 5 डाल दिए हैं। उसके बाद में ये जो नीचे स्पेस है इसको दबाएंगे तो आप नीचे लास्ट नेम पर ही आ जाता है। उसके बाद आपको इसको लास्ट नेम डाल देना होता है। लास्ट नेम डालने के बाद आपको इसमें इसको वाले बटन को वापस दबाना होता है। तो आपको फर्स्ट नेम डाल देना होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी नाम अपन डाल देते हैं, राम कुमार डाल देते हैं। उसके बाद में उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपन डाल देते हैं 01/01/1960 है, मान लीजिए 1970 है, ठीक है। तो अपने डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से डाल दिया। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको ये वाले स्पेस को अपन दबाते हैं तो आपकी एज कैलकुलेट होकर आ जाती है। यहाँ पे आता है मेल और फीमेल, तो आपको फिर वो दबाना होता है। यदि ये मेल है तो आपको सीधा जो है इस वाले बटन को दबाना है, यदि ये फीमेल है तो फिर आपको ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। जैसे आप इसको दबाओगे तो ये फीमेल पर सेलेक्ट हो जाता है, वापस से इसको दबा दोगे, इसको वापस दबाओगे तो ये फीमेल पे वापस हो जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसको जो है नीचे आप करेंगे, इसको नीचे करने के बाद में आप इसको नीचे करते जाएंगे और इसको दबाते जाएंगे, और यहाँ पे लास्ट में ये ऑप्शन आता है कि पेसमेकर है या नहीं है। तो ज़्यादातर पेशेंट को पेसमेकर नहीं लगा हुआ आता है तो पूछ लेना है, पेशेंट को यदि लगा हुआ है तो यहाँ पे यस पे आने के लिए इस वाले की को दबाओगे तो ये यस पे आ जाएगा, यदि इस वाले की को दबाओगे तो वापस ये नो पे आ जाएगा। तो यदि नॉर्मली पेशेंट का नहीं होता है तो इसको नो ही रखना है। उसके बाद नो करने के बाद ये फिर पेशेंट का डेटा फिल हो गया। पेशेंट का डेटा फिल होने के बाद जो है आप जो है यहाँ पर इसी वाले स्विच को वापस से आपको प्रेस कर देना होता है। तो जो आपकी ECG लाइन है वो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाती है, क्योंकि अभी हमने ECG जो इलेक्ट्रोड से वो प्लेस नहीं किया है इसलिए बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आ रही है। और यहाँ पे इसको प्रिंटआउट यदि आपको लेना है तो प्रिंटआउट लेने के लिए जो स्टार्ट वाला बटन है इसको आपको क्लिक करना होता है। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप ये इस प्रकार से जो है ECG का ये ग्राफ आपका सामने निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप ECG का जो बेसिक सेटिंग्स है वो आप जान सकते हैं। तो अपना ये ग्राफ निकल के आ गया। मान लीजिए कि आपका ECG का पेपर ख़त्म हो गया तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे ये स्विच दे रखा है, इस स्विच को जैसे आप दबाते हैं तो यहाँ पे ये ECG का जहाँ पे पेपर लगा हुआ रहता है ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में इसको प्रेस करने के लिए यहाँ पर कम से कम इसको ऐसे पकड़ करके और इसको सेट करना होता है, वापस से जो ये वाला बटन है इसको दबाना होता है, ठीक है। तो यह यहाँ पर अंदर चला जाता है, ठीक है, वापस से प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप भी ECG का मशीन को ऑपरेट कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें।